हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में, जनरली जिसे खून की कमी कहते हैं। एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनीमिया एक कंडीशन है जिसमें RBC काउंट, मतलब बॉडी में रेड ब्लड सेल काउंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हेमरेज, ब्लड लॉस होना, किसी ट्रॉमा या एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हुआ हो आपका, फीमेल है अगर तो हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, या फिर कोई मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड है जैसे कि पाइल्स, गैस्ट्रिक अल्सर, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस होता है, तो ये एनीमिया का रीज़न है। दूसरा है डेफिशिएंसीज, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। आयरन और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। एनीमिया के सिम्टम में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो है पेलोर, स्किन का डिस्कलरेशन, पीलापन होना, वीकनेस, कमज़ोरी, फटीग, थकावट महसूस होना, वर्टाइगो, चक्कर आना, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी, वर्क करने की या काम करने की क्षमता कम होना, इसके साथ ही डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होना, या ब्रेथ की जो है वो शॉर्टनेस होना, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है, पैल्पिटेशन यानी घबराहट होना। नाउ लेट्स मूव टू द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नेचुरल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये एनीमिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें SBL फेरमसिप सिरप। एनीमिक कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है और हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाती है। कंटेंट जो है इसके फेरमसिप सिरप के, सबसे पहला कंटेंट है फेरमफॉस 3X जो HB लेवल बढ़ाता है। दूसरा कंटेंट है सिंकोना ऑफिसिनेलिस 3X, वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एनीमिया के लिए। थकान महसूस होना, चक्कर आना, एग्जॉस्टेड फील करना, इन सब सिम्टम में सिंकोना बहुत अच्छा काम करती है। तीसरा कंटेंट है इसमें कालीफॉस 3X, आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। वर्टाइगो और हेडेक में भी रिलीफ प्रोवाइड करती है कालीफॉस। नेक्स्ट कंटेंट है इसमें नेट्रमफॉस 1X एंड फेरम मेटेलिकम 3X। फेरम मेटेलिकम टॉप लिस्टेड होम्योपैथिक रेमेडी है एनीमिया के लिए। वीकनेस, पेलनेस, वर्टाइगो जैसी सारी परेशानियों में बहुत हेल्पफुल है। इस सिरप के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई भी पर्सन एनीमिया से जो सफ़र कर रहा है इसे ले सकता है। इसको लेना कैसे है, सिरप आपको 1 टीस्पून मतलब अप्रॉक्स 5 ml दिन में 3 बार लेना है एडल्ट के लिए। चिल्ड्रन के लिए 1 टीस्पून दिन में 2 बार दीजिए आप। दूसरी मेडिसिन है SBL बायोकेमिक नंबर 1, एनीमिया के लिए है ये बायो कॉम्बिनेशन, बहुत इफ़ेक्टिव है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ये मेडिसिन और HB लेवल बढ़ाती है। इसको आपको लेना कैसे है, तो एडल्ट को 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है और चिल्ड्रन को 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। तो फ्रेंड्स, 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताई मैंने आपको, SBL फेरमसिप सिरप जिसे 5 ml दिन में 3 बार लीजिए आप, और SBL बायोकेमिक नंबर 1 4 टैबलेट दिन में 3 बार। यह मेडिसिन आप 3 से 6 महीने लीजिए, आपका एनीमिया ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, ड्रॉप इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।